नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के चार लोगों को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर से सज्जन कुमार। बीते दिनों मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के जजुआरोपी इलाके के जजुआर मध्य गांव में 25 अक्टूबर की रात को एक ही परिवार के चार लोगों को गोली मारने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर पूर्वी क्षेत्र के एडिशनल SP शहरयार अख्तर ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि दशहरे मेले में विवाद की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। मुख्य आरोपी अभिषेक आपराधिक छवि का है, जिसने दशहरे में विवाद को लेकर अपने कई साथियों के साथ गोलीबारी की। इस मामले में पीड़ित अमन के फर्द बयान पर 5 नामजद एवं 3 अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। मामले में फिलहाल मुख्य आरोपी अभिषेक को देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य लोग फरार हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़। क्या मामला है, क्या मामला है, किस मामले में? दिनांक 25/10/23 को जजुआर मध्य ग्राम में हेम ठाकुर हैं, उनके और उनके पूरे परिवार को 5 और अन्य अपराध कर्मियों के द्वारा जो है करीब रात्रि 10 से पौने 11 बजे के बीच में गोलीबारी की गई, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को गोली लगी। और गोली लगने के पश्चात उन लोगों को मुजफ्फरपुर स्थित राजकीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें अंकित को पटना रेफर कर दिया गया। अमन का प्राथमिक स्वास्थ्य होने के बाद वो डिस्चार्ज कर दिया गया। बाकी अभी जो उनकी माँ मोती देवी और हेम ठाकुर हैं, उनका इलाज चल रहा है। अमन का भी, अंकित का भी जो है वहाँ पे पटना में इलाज चल रहा है। अभी मतलब सामान्य है, स्थिति में सुधार हो रहा है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष कटरा, थानाध्यक्ष जजुआर और पदाधिकारी और अन्य जवान को शामिल करते हुए लगातार टीमें बनाकर छापेमारी की जा रही थी, जिसमें आज दिनांक 27/10/23 को रात्रि में 26/10/27 रात्रि में जो है इसको जजुआर से ही एक लोडेड पिस्टल के साथ और 3 जिंदा कारतूस के साथ बरामद गिरफ्तार किया गया है अभिषेक कुमार को। कितने और लोग हैं इसमें शामिल? इसमें जो है उन लोगों ने 5 लोगों को नामजद किया था और करीब 2-3 अज्ञात के बारे में बताया था। क्या कुछ विवाद क्या? मतलब अज्ञात का भी पता लग गया है पूछताछ में अभिषेक के द्वारा बताया गया। घटना के पीछे जो कारण है वो दुर्गा पूजा में 2-3 दिन पहले, घटना से पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित हुआ था, जिसमें अंकित के द्वारा जो है इनमें से हर्ष और अभिषेक को रोक टोक किया गया था और वो लोग स्टेज पे चढ़ के कुछ बदमाशी कर रहे थे। तो उसी बात को लेकर मतलब उन लोगों ने, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उन्हें ये नागवार बात गुजरी कि मुझे रोका गया है। उसी का परिणाम था कि वो उस रात्रि को जो है घर में घुस के नजायज मजमा बनाते हुए फायरिंग की गई, जिसमें ये लोग घायल हुए। जो पकड़े गए हैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ, अब अभिषेक का कई बार कटरा से भी जेल जा चुका है, वो शराब के केस में और कई केसों में वो मतलब जेल जा चुका पहले, अभी एक शराब के केस में फरार भी था। अब आपके अपने गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम से खरीदारी करें मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, AC, 0% ब्याज, 0 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ मेरे भाइयों, आपने सही सुना, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम कर्पूरी चौक पुपरी एवं कर्पूरी चौक सिनेमा रोड धर्मनाथ प्रसाद जी के गद्दी के बगल में 3 मंजिल शोरूम पुपरी। यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर एवं अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी करें। सही सामान, सही दाम।